सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा टुडे इज़ योर डे 21 ऑफ एनडीए क्लासेस एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज मेंट फॉर द वीडियो लेक्चर दैट वी विल गोना डिस्कस ऑन डे 22 एंड 23। जो बच्चा आपका जो नया चैप्टर जो है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनडीए सिलेबस, दैट इज़ द न्यूट्रिशन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट फूड बाय द ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी विच इज फर्दर यूज्ड इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो जो भी हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है ना, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो भी ये चीज़ें हम लोग इनटेक करते हैं उसको यूटिलाइज करता है हमारा बॉडी टू गेट दी एनर्जी, और फिर उसको फर्दर बाकी के लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप देम लिविंग इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। जिससे वो जिंदा रहते हैं, लिविंग हैं, जो सब्सटेंस चाहिए उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है विच the organism obtained from its surrounding and it's use it as a source for the energy or for biosynthesis of its body constituent. क्या क्या है organic nutrients में? carbohydrate, proteins, fats. inorganic nutrients के अंदर water, carbon dioxide, minerals, जिसमें iron, copper, zinc etc. की हम बातें करते हैं, ठीक। तो जो आज का lecture है it is for the nutrition in plants. अगर nutrition in plants की बात करें तो वेरे ऑर्गेनिज्म लिव इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एज एंड दे हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग मेथड से वो अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, है ना, और द मेथड जो होगा जिससे वो ऑब्टेन करेंगे उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक है ना, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन ऑर्गेनिक फूड from the inorganic raw materials, for example carbon dioxide and water, and remain independent of obtaining external source of organic compound or called as autotrophs. जितने भी green plants हैं सबके सब क्या होते हैं? autotrophs होते हैं, ठीक है, clear होगी बात। लेकिन कुछ plants ऐसे होते हैं बेटा, plants are generally autotrophic but there are some plants which are unable to manufacture their food। कुछ ऐसे plants होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बना सकते due to lack of chlorophyll, जैसे कि parasitic plant है। कौन सा है पैरासिटिक प्लांट? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा का एग्जांपल दे सकते हो आप। सेप्रोफिटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोन्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर वीनस ट्रैप आ जाता है, है ना, पिचर प्लांट आ जाता है, वीनस ट्रैप आ जाता है। तो इस तरह के प्लांट जो कि पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होंगे, इंसेक्टिवोरस होंगे या सिम्बायोन्स होंगे, उनको हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक हो गया बच्चे। So these are the different modes of nutrition in plants. So in addition to carbon dioxide, carbon, hydrogen and oxygen, plant require a variety of mineral elements. इसके अलावा भी plants को अलग अलग mineral elements जो हैं वो चाहिए, inorganic substance चाहिए, है ना। Absorption of minerals and their utilization by plant is called as mineral nutrition. जो भी mineral का utilization करेगा उसे क्या कहा जाएगा? Mineral nutrition कहा जाएगा। The technique of growing plant in nutrient solution is known as hydroponics or soil-less growth. हमें पता है कि प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है? सॉइल में ग्रो करता है, वहीं से उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वहीं से वाटर मिल रहा है, जाइलम जो है ऑब्टेन कर रहा है इन सब चीज़ों को। लेकिन देयर इज अ टेक्निक जिसमें हम सॉइल-लेस ग्रोथ करा सकते हैं। कैसे? वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए अगर वो सब डाल दिया तो विदाउट सॉइल भी एक प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, राइट। एरोपोनिक्स इज अ सब्सटेंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट विद देयर रूट्स बाद इन द न्यूट्रिएंट मिस्ट, अ क्लाउड ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। एयर के अंदर ही उस पर स्प्रे कर दो जो भी न्यूट्रिएंट उसको चाहिए प्लांट को, तो वो एरोपोनिक्स है। ये दो टर्म याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज टू आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स, राइट। फिर अगर रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें और उनकी डेफिशिएंसी की बात करें, देखें क्या क्या जरूरत है। सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब नाइट्रोजन जो है तीन तरीके से है, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। प्लांट नाइट्रेट को यूज़ करता है।
फंक्शन क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हर चीज के लिए प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए आपको पता है, उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है। अगर ये ना मिले तो क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है लीव्स के अंदर, ठीक है, स्टंटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, डॉर्मेंसी ऑफ लेटरल बड्स, लेटरल बड्स जो डॉर्मेंट हो जाएंगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ही नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा इनका, तो नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो है इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम प्रोटीन्स, हमें पता है कि किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फेट प्लस एक न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए, किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, तो यहां पे नाइट्रोजनस बेस के लिए इसको नाइट्रोजन चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप के लिए इसको फॉस्फोरस चाहिए, नहीं होगा तो इसी न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, डीएनए और आरएनए बनता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा। तो अगर ये ना मिले फॉस्फोरस तो सीड जर्मिनेशन में डिले हो जाएगा, रिड्यूस ग्रोथ हो जाएगा, पर्पल और रेड स्पॉट ऑन द लीव्स, अगर आप किसी लीव के ऊपर रेड या पर्पल कलर का स्पॉट देख रहे हैं इट मींस कि उसके अंदर फॉस्फोरस की कमी है, ठीक है बच्चे। फिर आया था पोटेशियम, डिटरमाइन कैटायन एनायन बैलेंस इन दिस सेल, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, आपको पता फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा ही इंपॉर्टेंट है, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, तो उसके क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है, नहीं होगा तो क्या होगा, स्कॉर्ज्ड लीव टिप्स, शॉर्टन इंटरनोड्स, क्लोरोसिस इन द इंटरवीनल, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, ये पोटेशियम का रोल है। आप जब भी किसी मैन्योर की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, जो भी आप यूरिया वगैरह देते हो तो उसमें एनपीके होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए फर्टिलाइजर जब भी यूज करते हैं, तो एनपीके क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, तो आप समझ सकते हैं कि ये तीन चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, राइट। फिर बात आती है कैल्शियम की, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट्स करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट्स करता है, यूज इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मिडल लैमेला बनाता है, कैल्शियम पैक्टेट पढ़ा था हम लोगों ने, हेल्प टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, नहीं होगा तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ है, नेक्रोसिस, टिश्यू का डेथ हो जाएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं ग्रो कर पाएंगे, जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं नहीं ग्रो कर पाएंगे वो टिश्यू, क्लोरोसिस हो जाएगा अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द यंग लीव्स, विदर टिप डिजीज, प्री मैच्योर फ्लावर एप्सिजन, ब्लॉजम्स एंड रूट ऑफ द टोमेटो, आपको इनका डिटेल नहीं पढ़ना बस नाम पता होना, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने इन डिसऑर्डर्स के नाम याद रखने हैं, क्या होता है इतना डिटेल में मत जाओ, राइट। तो ये आप लोगों को हमने डिस्कस कर लिया नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एंड कैल्शियम का रोल, राइट। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि मैग्नीशियम का क्या रोल है, तो मैग्नीशियम जो है डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन के रूप में काम आता है, एक्टिवेट एंजाइम्स एंड रेस्पिरेशन में जो एंजाइम चाहिए उसको एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, डीएनए आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, क्लोरोसिस हो जाएगा लीव वेन्स के पास, नेक्रोसिस हो जाएगा यानी कि टिश्यू का डेथ हो जाएगा ऑन ओल्डर लीव्स, प्री मैच्योर लीव एब्सिशन, पत्ते मैच्योर होने से पहले ही नीचे गिरने लग जाएंगे, रिड्यूस ग्रोथ हो जाएगा, सल्फर है, सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथियोनिन एंड मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, आपको पता है अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो इसकी कम, ये इसका जो मेन रोल है वो सल्फर है, ये सब किससे बन रहा है, सल्फर से बन रहा है, वाइटामिन थायमिन कोएंजाइम ए एंड फेरेडॉक्सिन बायोटीन, ये सब सल्फर है ना, आयरन सल्फर हम लोगों ने पढ़ा था, क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव करा देगा, स्टंडर्ड ग्रोथ होगा इसके बिना, एंथोसियानिन एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा लीव का, लेस जूस कंटेंट इन सिट्रस, जो नींबू है कभी कभी आप देखते हैं कि नींबू में, मौसमी में, संतरे में, इन सब में जो जूस होता है वो कम हो जाता है, किसकी वजह से, सल्फर की कमी हो जाती है, येलो डिजीज हो जाता है टी में जो चाय पत्ती होती है उसमें, मार्श स्पॉट पीस के अंदर हो जाता है। आयरन की बात करें तो आयरन जो है इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, सल्फर प्लस आयरन ये दोनों फेरोडॉक्सिन का
कंस्टिट्यूएंट है, इन्वॉल्व्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाता है, एक्टिवेट्स कैटालेज एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं उसमें इसका रोल आता है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। नहीं होगा तो क्या होगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, इनिशिएट इन इंट्रावेनस रीजन एंड देन इन द कंप्लीट लीफ। आप देख रहे हैं क्लोरोसिस लगभग हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई लीफ वेन में कर रहा है, कोई इंट्रावेनस रीजन में कर रहा है ना। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ रिड्यूस्ड, जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। इनहिबिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ठीक से। तो ये बच्चे कुछ रोल्स हैं, है ना, कुछ फंक्शंस हैं किसके, न्यूट्रिएंट के, मिनरल न्यूट्रिएंट्स के। फिर अगर प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और वो अपना खाना खुद से बनाता है। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो हायर प्लांट्स में होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जो होते हैं, ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर का जो स्टैक बताया था मैंने, ये थैलाकॉइड है और ये जो स्टैक होगा वो ग्रेना कहलाएगा। थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइंस कॉल्ड एज ग्रेना, दिस इज ग्रेना, राइट। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग, जो कि लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा, है ना। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है। इसके अलावा कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट में लगभग ये चार पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। जो क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन्स आर, ये क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में प्रेजेंट होगा। विच आर फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग सेल, जहाँ से भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन प्रेजेंट है। क्लोरोफिल्स आर सॉल्यूबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कीटोन्स, ईथर एक्सेट्रा। कैरोटीनॉइड्स क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फोटोसिंथेसिस करने का। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा? मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है, है ना। तो दो तरीके के, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक। तो लाइट रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, PS1 होता है, PS2 है। फोटोसिस्टम 1 एंड 2 यूनिडायरेक्शनल होगा, यह मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ये प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द P680 जो PS2 है डू नॉट रिटर्न टू PS2 एंड ATP1 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसाइज एट ओनली वन स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप पे ATP सिंथेसाइज होगा। दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो नोन एज Z स्कीम, क्योंकि इस तरीके से चलता है। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड दिस वॉज गिवन बाई हिल एंड बेंडा, तो इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको हम? हिल रिएक्शन कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। कई बात समझ में आ गई। और एक दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इन दिस लाइट रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ए ड्यूरिंग द साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है? फाउंड डोमिनेंटली इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होगा और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है? PS1। इसमें क्या इन्वॉल्व है? PS1 एंड PS2, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ ATP बनता है और NADPH बनता है, इसमें दोनों चीज़ें बनेंगी। इसमें से बच्चे, इफ़ NADP इज नॉट अवेलेबल देन दिस प्रोसेस विल अकर, अगर NADP ना हो तब ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या बनेगा? ATP ओनली, ठीक है, सिर्फ ATP को फॉर्म करेगा, राइट। When the photons activate PS1, a pair of electrons are raised to the higher energy level. They are captured by the primary acceptor, which passes them from ferredoxin, plastoquinone, and cytochrome
complex cytochrome, right? Plastocyanin and finally back to the reaction center. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Back आ रहा है. Important line है बच्चे, finally back to the center of PS1. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वापस नहीं आ रहा है. Do not return to PS1. It do not return. यहाँ पर ये back आ रहा है PS1 के पास. At each step of electron transport, the electron lose potential energy. Their trip downhill is caused by the transport chain to pump H plus across the thallophyte membrane. So these are the non-cyclic and cyclic photophosphorylation. ठीक है, दो पॉइंट याद रखिए कि इसमें PS1, PS2 दोनों यूज होगा, इसमें बस PS1 यूज होगा, ये याद रखेंगे. साइक्लिक में इसमें एनर्जी जो है वापस आ जाती है, इसमें नहीं आता है, इसमें डू नॉट रिटर्न. ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है बेटा, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, है ना. तो प्रीवियस ईयर में अगर एक क्वेश्चन देखो, एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, शुगर केन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया. इट इज ग्रोन टू ऑप्टेन क्या ऑप्टेन करने के लिए? तो बच्चे आपको पता है कि जो शुगर केन है ना, वो शुगर बनाने के लिए इम्पोर्ट, तभी तो इसको शुगर केन कहते हैं. शुगर केन किस किस चीज़ से मिला होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो ये क्या है? बेसिकली सुक्रोज है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा. ठीक है बच्चे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन दे रहा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज, तो कहाँ पे होता है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट में होता है, पढ़ा था हमने, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है ना, एनस्ट्रोमा, वहाँ पे होता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन, किसके अंदर होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कहाँ पे होगा? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बच्चे कुछ प्रोटिस्टाज में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. सेलेक्ट दी स्टेटमेंट विच डज नॉट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस के दौरान में नहीं होंगी? तो क्या दिया जा रहा है? तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो होगा. कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो बच्चे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में नहीं होता है सबसे पहली बात. तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल जो है किस किस में ब्रेक डाउन होता है? ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के अंदर. और केमिकल एनर्जी को नहीं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है ना. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होता. क्या पूछा? डज नॉट अकर, तो ये नहीं होगा. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं होता है. तो ऑप्शन बी एंड सी आर रॉन्ग. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज बी एंड सी. फिर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट. आपको पता है कि पोटेशियम जो है ये मैक्रो है, मैग्नीशियम मैक्रो है, पढ़ा अभी हम लोगों ने, कैल्शियम मैक्रो है. तो जिंक क्या है? जिंक जो है माइक्रो अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये माइक्रो एलिमेंट है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. फिर क्वेश्चन आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीफ अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है? तो स्टोमेटा के थ्रू होता है ना. विच मिनरल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कौन सा मिनरल मिलता है बच्चे? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपको पता है, पढ़ा हम लोगों ने, है ना. हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? रिफर्स टू द प्लांट ग्रोथ विदाउट सॉइल, इन वाटर विदाउट सॉइल आएगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो ऑप्शन दिया है विदाउट सॉइल यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन ये भी आपका सही हो सकता है, ये भी सही होता है, इन वाटर विदाउट सॉइल, हम वाटर के अंदर, तभी तो वो हाइड्रोपोनिक्स है ना. तो ये भी ठीक है, बेसिकली ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाई डेफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या नहीं होता है इसमें से? तो इट्योलेशन नहीं होगा बच्चे. क्या मतलब होता है इट्योलेशन का? जिसमें जो एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होता है, प्लांट ग्रो लॉन्ग, पेल हो जाता है, पीलापन आ जाता है उसके अंदर, एंड अनहेल्दी, अनहेल्दी हो गया. क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ लाइट. तो ये लाइट की कमी के कारण हो रहा है ना. यहां पे न्यूट्रिशन की कमी नहीं है यहां पर. ठीक है, तो ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर. फिर बोरॉन का क्या काम आता है? बोरॉन जो है इट इज एक्टिंग एज अ एंजाइम कोफैक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो हमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस चाहिए, अभी बताया मैंने अभी आप लोगों को, है ना.
नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज़ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इन द एयर टू फॉर्म अ यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया से, है ना बच्चे, तो ये बात कर ली। फिर अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ठीक नहीं है, सो दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन एक्सेस ऑफ 100 mmol/kg ऑफ ड्राई मीटर, बच्चे दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग। तो ये आपका जो सही आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों बच्चे, क्यों, हमें ये कितने किस उसमें चाहिए होता है, 10 mmol में चाहिए होता है, ये हमें किस में चाहिए होता है, 10 mmol में चाहिए होता है, ठीक है, क्लियर, पर केजी। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन ए इट इज द राइट आंसर। तो ये बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आएगा बच्चे तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।